विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम में 2013 में आई भीषण जल प्रलय आपदा के दौरान जो कुंड पूरे तरीके से मलबे में दब गए थे, अब केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के चलते पुनः उन वेतस कुंड को साफ कर दिया गया है। बता दें कि वेतस कुंड से जुड़े कई अनगिनत रहस्यमय पहले छुपी हुई है जिनका अलग अलग तरीके से कथन होता है। जानकारी के अनुसार इस कुंड के दर्शन करने वाले भक्त जैसे ही ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव पुकारते हैं तो कुंड के पानी से बुलबुले उठने लगते हैं। ये भी सत्य है कि अगर आप जूते चप्पल पहनकर भोले के जयकारे लगाते हैं तो इस कुंड में बुलबुले नहीं उठते, इसलिए यहाँ श्रद्धालु कुछ देर रुककर कुंड के जल को अपने शरीर पर छिड़कते हैं, इससे कई रोग भी दूर होते हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में जो जल प्रलय के दौरान जो कुंड थे वो पूरी तरीके से सूख गए थे, लेकिन अब उनको पूरी तरीके से साफ कराया गया है और उसको लेके कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और माना जाता है कि भक्त वहां पहुंचकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उस कुंड में से बुलबुले निकलते हुए भी नजर आते हैं।